गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास, हम मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस कर रहे थे। ये जो मैकेनिज्म है इसके लिए एक थ्योरी प्रोवाइड की गई है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये थ्योरी क्या बता रही है कि जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा सो उसके लिए एक कंडीशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक क्विक रिकैप करेंगे जो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, सो डेट आप आज वाला लेक्चर पढ़ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या बता रही है, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस टाइम पे जो थिन फिलामेंट है वो स्लाइड करे ओवर थिक फिलामेंट। ठीक है, ये मस्ट है, ये कंडीशन जरूरी है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या हुआ, जो न्यूरॉन्स थी वो क्या लेके आई है, एक केमिकल लेके आई है, न्यूरोट्रांसमीटर नेम एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन को कहाँ रिलीज कर दिया गया, मसल सेल के सार्कोलीमा मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिलीज कर दिया गया। सार्कोलीमा है जो मसल सेल का, वहां पे क्या प्रेजेंट है, एसिटाइल कोलिन से बाइंड करने के लिए रिसेप्टर्स हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इसके साथ बाइंड करेंगे। जैसे रिसेप्टर्स बाइंड करेंगे एसिटाइल कोलिन के साथ, जो मसल सेल है उसमें क्या होगा, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, एक एक्टिविटी क्रिएट होगी। उसकी वजह से क्या होगा, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। जो रिसेप्टर्स है ना उनके साथ में क्या थे, सोडियम चैनल्स प्रेजेंट थे। सोडियम चैनल्स जैसे ओपन होंगे तो बाहर वाली साइड से जो सोडियम आयंस थे वो सेल के इनसाइड आ जाएंगे। सेल के इनसाइड जैसे ही सोडियम आयंस आए तो अब कंडीशंस चेंज होगी सेल के इनसाइड की। क्या कंडीशन होगी, नॉर्मली हमारी सेल पोलराइज्ड स्टेट में थी, मींस क्या है इसका, बाहर वाली साइड है जो सेल के वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब बहुत सारा सोडियम है सो हाईली पॉजिटिव चार्ज है, और इनसाइड क्या है, पोटेशियम आयंस है और नेगेटिव चार्ज भी था, अंदर पोटेशियम आयंस है और बाहर सोडियम आयंस की अमाउंट ज्यादा थी, तो ज्यादा अमाउंट होने की वजह से बाहर की जो कंडीशंस है वो पॉजिटिवली चार्ज है और सेल के इनसाइड की जो कंडीशंस हैं वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, अब जैसे ही सोडियम इनसाइड आना शुरू हो गया तो कंडीशंस में चेंज आएगा। क्या चेंज आया, बाहर वाली साइड अब नेगेटिव बन गया, क्यों, क्योंकि बहुत सारा सोडियम जो पॉजिटिव आयंस थे वो सेल के इनसाइड आ गए, तो सेल के इनसाइड क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इस कंडीशन को हमने क्या बोल दिया था, इट इज अ डीपोलराइज्ड कंडीशन। ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें डीपोलराइजेशन क्रिएट कराना पड़ेगा। ठीक है, अब डीपोलराइजेशन होने से मतलब कि सोडियम आयंस के इनसाइड आने से एक और एक्टिविटी होगी, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मसल सेल का, जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, कैल्शियम आयंस को रिलीज करना शुरू कर देगा। और कैल्शियम आयंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेंग करेंगे, क्या काम करेंगे कैल्शियम आयंस, देखो ये है हमारा थिन फिलामेंट, ये है थिक फिलामेंट। थिन और थिक फिलामेंट्स आपस में बाइंड करना चाह रहे हैं, बट जो थिन फिलामेंट की एक्टिव साइट्स हैं मायोसिन से बाइंड करने की, वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई, ये जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है ना थिन फिलामेंट का, इसने कवर कर दिया है एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन को, ताकि मायोसिन के साथ वो बाइंड ना हो पाए। अब कैल्शियम आयंस जैसे इनसाइड आए, ट्रोपोनिन है जो वो कैल्शियम आयन के साथ बाइंड होगा, इसके बाइंड होते ही यहां से रिमूव होगा, और ये जो फिलामेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ट्रोपोमायोसिन जिन्होंने कवर कर रखा था, ये भी यहां से रिमूव होंगे। इनके रिमूव होते ही क्या होगा, जो एक्टिव साइट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, फ्री हो जाएंगी, ताकि वो मायोसिन के साथ बाइंड कर पाए। ठीक है, अब मायोसिन और एक्टिन की बाइंडिंग के लिए एक और थिंग रिक्वायर्ड है, मायोसिन को एनर्जी चाहिए ताकि वो इसके साथ बाइंड कर पाए। एनर्जी हमेशा कहां से आती है, एटीपी से। मायोसिन के हेड को देखो, यहाँ पे एटीपी से बाइंड करने की साइट थी, एटीपी आएगा सराउंडिंग से और बाइंड होगा मायोसिन के हेड के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, आप ध्यान से समझेंगे, क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन होगी। अब ये क्रॉस ब्रिज क्या चीज है, देखो जैसे ही मायोसिन ने एटीपी का यूज किया, एटीपी का क्या करता है वो हाइड्रोलिसिस करता है, मतलब कि ब्रेक डाउन कर देगा एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में। ठीक है, ये ब्रेक डाउन होते ही अब मायोसिन है जो वो बाइंड करेगा एक्टिन के साथ। ठीक है, अब ये जब दोनों बाइंड कर रहे हैं, देखो जब भी बाइंडिंग हो रही है तो अटैचमेंट हो रही है, उस अटैचमेंट को ही हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉस ब्रिज। दोनों ज्वाइन हो गए हैं, ये मायोसिन का हेड है और ये हमारा थिन फिलामेंट है। सो मायोसिन हेड बाइंड्स विद एक्टिन फिलामेंट, और ये जो अटैचमेंट हुई है इसी को हमने क्या बोल दिया है, क्रॉस ब्रिज। ठीक है, तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में क्या हुआ, मायोसिन हेड बाइंड कर गया किसके साथ, एक्टिन के साथ। किसके साथ बाइंड हो गया, एक्टिन के साथ। ओके, सो ये हमारे पास
मायोसिन का हेड है, ठीक है, मायोसिन का हेड है जो वो एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड कर गया। अब ये जो बाइंडिंग हुई है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इट इज क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, ठीक है। अब दोनों अटैच हो गए, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नाउ मायोसिन क्या करेगा, मायोसिन हेड है जो वो काम करना शुरू कर देगा, इट विल पुल, वो थिक फिलामेंट है ना तो वो पुल करेगा थिन फिलामेंट को, मतलब कि एक्टिन को, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। मायोसिन क्या कर रहा है, ऐसे खींचता जा रहा है, उसको अंदर की साइड खींच लेगा, ठीक है, पुल कर रहा है थिन फिलामेंट को, और कहां तक पुल कर रहा है, वो ए बैंड तक। अभी ए बैंड को रिकॉल करेंगे फिर से, देखो ए बैंड क्या होता है, ये जो हमारा ग्रीन कलर में थिक फिलामेंट है और ये येलो कलर में थिन फिलामेंट है, ठीक है। सो हमने अभी तक डिस्कस किया था कि जो मायोसिन है, मतलब कि जो थिक फिलामेंट है, उसका कुछ एरिया कवर्ड रहेगा हमेशा किससे, थिन फिलामेंट से। सो मायोसिन और कुछ पार्ट जो कि थिन फिलामेंट का है, कवर कर रहा है उस पॉइंट को, इतने इतने जोन को हम क्या बोलते हैं, ए बैंड बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है, ए बैंड। अब ये जो एक्टिन फिलामेंट है, मतलब कि ये जो थिन फिलामेंट है ना, मायोसिन के साथ अटैच हो गया और अब इनको क्या कर रहा है, वो इनर साइड पे खींच रहा है, मतलब कि ए बैंड का एरिया अपनी साइड खींच रहा है, ए बैंड के एरिया को पूरा ओवरलैप कर रहा है ताकि ये सारे के सारे थिन फिलामेंट क्या आ पाए, ए बैंड में आ पाए। इस बात को समझ रहे हैं, मायोसिन ने क्या किया, ए ये जो थिन फिलामेंट थे इनको अपने साइड खींचना शुरू कर दिया, कहां पे, ए बैंड की साइड। और ए बैंड क्या है, ये वो एरिया है जहां पे मायोसिन और एक्टिन, मतलब कि थिन और थिक फिलामेंट दोनों प्रेजेंट होंगे, तो ये ऐसे पुल कर रहा है, आप समझ रहे हैं ना, ऐसे अंदर की साइड इसको खींचा जा रहा है, पुल किया जा रहा है, ओके। अब जैसे ही ये पुल करेगा मायोसिन हेड थिन फिलामेंट को, ये अपनी साइड खींचता जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये चाहिए था हमें, स्लाइडिंग होगी, स्लाइडिंग बोल सकते हो और रोटेशन बोल सकते हो, फिलामेंट जो थिन फिलामेंट था वो स्लाइड कर जाएगा ओवर थिक फिलामेंट, ठीक है। अब जैसे ही, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जैसे ही थिन फिलामेंट इनवर्ड साइड आएगा तो जो जेड लाइन थी जो कि अटैच थी किसके साथ, थिन फिलामेंट के साथ, ये भी क्या होगी, इट विल ऑल्सो पुल इनवर्ड्स, ये भी अंदर की साइड आ जाएगी। इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे फिर से, मायोसिन था वो क्या कर रहा है, थिन फिलामेंट के साथ अटैच होकर इनको अपने अंदर की साइड खींच रहा है, ठीक है, अंदर की साइड इनको पुल कर रहा है। अब जेड लाइन क्या थी, जो थिन फिलामेंट्स थे उनके बीच में एक लाइन, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर ये अटके हुए होते हैं, ये समझ लो अटैच होते हैं उससे, ठीक है। सो ये जो ब्राउन से कलर में ये जो है, ये लाइन, ये क्या थी, जेड लाइन थी, क्या थी, ये जेड लाइन। अब जैसे ही थिन फिलामेंट्स अंदर की साइड आ रहे हैं तो ये जो जेड लाइन थी ना, ये भी क्या होगी, अंदर की साइड आएगी ना, क्योंकि ये इसी के साथ तो अटैच है, थिन फिलामेंट्स अंदर की साइड खींचते हुए जा रहे हैं तो जेड लाइंस भी क्या होंगी, अंदर की साइड पुल होंगी, खींचती हुई वो चली जाएंगी, ओके। अब जैसे ही जेड लाइन इनवर्ड साइड में आ गई, इससे क्या होगा, जो सार्कोमियर था उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके। सार्कोमियर क्या था, देखो, एरिया बिटवीन टू जेड लाइंस, दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया होता है उसको हमने क्या बोल दिया, सार्कोमियर बोल दिया। अब एरिया इतना था, थिन फिलामेंट खींच के यहां तक आगे मान लो, ठीक है, और ये जो जेड लाइन थी ये भी खींच के आगे आ गई, ये तो साथ में ही आएगी। अब ये लाइन, अब सपोज करो यहां तक आ गई होगी तो एरिया क्या हो गया, सार्कोमियर का छोटा हो गया। सार्कोमियर क्या था, एरिया बिटवीन टू जेड लाइन, तो एक जेड लाइन ये, एक जेड लाइन ये, ठीक है, ये जेड लाइन खींच के यहां तक आ गई है। तो अब जो सार्कोमियर, अब देखो वो छोटा हो गया ना, सो जो सार्कोमियर का साइज है वो क्या हो गया, यहाँ पे रिड्यूस हो गया, ठीक है। सार्कोमियर का साइज रिड्यूस होना क्या शो कर रहा है, इट शोज कॉन्ट्रेक्शन। कॉन्ट्रेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए ये रिक्वायर्ड था। अब जैसे ही सार्कोमियर का साइज छोटा होगा, इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, फिर
जो आई बैंड था वो भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, आई बैंड विल बी रिड्यूस. आई बैंड क्या होता है, पोर्शन वेयर ओनली थिन फिलामेंट प्रेजेंट. ये वो पॉइंट है जहां पे सिर्फ क्या प्रेजेंट होते हैं, थिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते. देखो आई बैंड क्या था, ये एरिया. ए बैंड तो क्या होता है हमारा, थिन प्लस थिक. आई बैंड क्या है, सिर्फ थिन फिलामेंट वाला एरिया. अब देखो सारा का सारा थिन फिलामेंट क्या हो रहा है, इनर साइड पे मूव करता जा रहा है ना, ये खींच के यहां तक आ जाएंगे, यहां सेंटर पॉइंट तक, इतनी कॉन्ट्रेक्शन होगी. ठीक है, तो सपोज करो ये यहां से मूव करके यहां आ गया, ये मूव करके यहां आ गया, इसकी मूवमेंट से जो आई बैंड है वो तो क्या है, बचा ही नहीं. क्यों नहीं बचा, क्योंकि आई बैंड तो सिर्फ वो एरिया था जहां पे थिन फिलामेंट. अब थिन फिलामेंट्स तो अकेले रह ही नहीं रहे, मायोसिन क्या कर रहा है, उनको अपने इनर साइड पे खींचता जा रहा है, पुल करता जा रहा है. ओके, सो अब क्या होगा, आई बैंड है जो उसका साइज भी रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, समझ रहे हैं आप ये बात, आई बैंड का साइज क्या हो गया, यहाँ पे रिड्यूस हो गया है. ठीक है, लेकिन जो ए बैंड है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बैंड है जो उसकी लेंथ में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा. अब ए बैंड क्या था, ए बैंड है पोर्शन वेयर थिक प्लस थिन फिलामेंट आर प्रेजेंट. जहां पे थिन और थिक फिलामेंट दोनों प्रेजेंट थे, उस पोर्शन को हमने क्या बोल दिया था, ए बैंड बोल दिया था. ए बैंड के साइज में कुछ चेंज क्यों नहीं आया, देखो ए बैंड हम क्या बोलते हैं, वो एरिया जहां पे थिन और थिक प्रेजेंट हो. अब थिक वाला जो एरिया है ना, वो तो उसमें कुछ चेंज ही नहीं आ रहा, ये मायोसिन तो ऐसे कैसा पड़ा है, ये इसको बस इनर साइड पे खींचता जा रहा है. तो ए बैंड क्या होता है, जहां पे थिन और थिक प्रेजेंट होते हैं, तो थिक तो इतना ही रहेगा ना, थिक के साइज में कुछ चेंज नहीं आ रहा है. और ये सिर्फ क्या हो रहे हैं, इनके साइज में भी कुछ चेंज नहीं आ रहा है, ये सिर्फ इनवर्ड साइड में क्या हो रहे हैं, पुल कर दिए जा रहे हैं, इनर की साइड खींच लिए जा रहे हैं. सो ये जो पॉइंट था, ये तो एज इट इज रहेगा, ये सिर्फ खींचता जा रहा है उनको इनर साइड. सो देयर वुड बी नो चेंज इन द ए बैंड. आई बैंड रिड्यूस हो गया. आई बैंड क्यों रिड्यूस हुआ, क्योंकि जो एरिया सिर्फ थिन फिलामेंट वाला था उसको हम आई बैंड बोलते थे. अब कोई भी एरिया नहीं रह गया थिन, जहां पे सिर्फ थिन फिलामेंट हो, क्योंकि सारे थिन फिलामेंट्स को मायोसिन क्या कर रहा है, इनर साइड में पुल करता जा रहा है. इसकी वजह से हमारा आई बैंड रिड्यूस होगा, जेड लाइन रिड्यूस होगी, सार्कोमियर रिड्यूस होगा, बट जो ए बैंड है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. ठीक है, अब इतना ही था, कॉन्ट्रेक्शन होनी थी, कॉन्ट्रेक्शन हो चुकी. अब कॉन्ट्रेक्शन के बाद हमेशा क्या स्टेप होता है, रिलैक्सेशन का. रिलैक्सेशन करने के लिए क्या किया जाएगा, जो मायोसिन है वो रिलीज कर देगा एडीपी प्लस में जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था उसको रिलीज कर देगा. अभी तो इसने एनर्जी के लिए पकड़ रखा था, और अब कौन सी स्टेट में आ जाएगा, मायोसिन रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा. ठीक है, अब ये एक साइकिल खत्म हो गया. ठीक है, इस एक साइकिल में क्या क्या हुआ, देखो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस होगा, फर्स्ट स्टेप यहीं से स्टार्ट करते हैं. मायोसिन हेड था जो उसने एनर्जी गेन की, एनर्जी गेन करते ही वो ये दो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देता है, एडीपी और फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल. यहाँ पे दो फॉस्फेट है, यहाँ पे एक फॉस्फेट अलग हो गया, एटीपी में तीन थे ना, ये सेपरेट हो गई. इनकी सेपरेशन से क्या हुआ, जो मायोसिन का हेड था उसके पास एनर्जी आ गई, वो इनको पकड़ के एनर्जी ले रहा है. अब इसने एक्टिन के साथ अटैचमेंट कर ली, एक्टिन के साथ जब अटैचमेंट हो जाएगी, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हो गई. जैसे ही क्रॉस ब्रिज बना, मायोसिन ने क्या कर दिया, खींचना शुरू कर दिया किसको, एक्टिन को, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग. ठीक है, स्लाइडिंग होने के बाद क्या हो गई, ये जो सारी कंडीशन आई है कि साइज रिड्यूस हो गया. ठीक है, अब स्लाइडिंग होने के बाद, रोटेशन होने के बाद, यही करना था ना हमें, स्लाइड करना था. अब ये जो क्रॉस ब्रिज था ये फिर से टूटेगा, क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा. और क्रॉस ब्रिज जब ब्रेक होगा तो जो एडीपी था, एडीपी और ये जो फॉस्फेट था, ये रिलीज होंगे यहां से और क्या बना देंगे, एटीपी का एक मॉलिक्यूल फिर से बना देंगे. अब ये मायोसिन और एक्टिन फिर से अलग होंगे और फिर से ये पूरा का पूरा साइकिल चलता जाएगा. ओके, सो मायोसिन रिलैक्स होगा, रिलैक्स करते टाइम वो क्या करेगा, इस पुराने एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज कर देगा. रिलीज करने के बाद अब फिर से क्या करेगा, वो न्यू एटीपी के मॉलिक्यूल को
बाइंड करने की सोचेगा. न्यू एटीपी बाइंड्स विद मायोसिन, ठीक है, मायोसिन के साथ नया एटीपी बाइंड हो गया और फिर से ये जो पुराने वाला जो क्रॉस ब्रिज है ना, पहले इसको ब्रेक करेंगे. स्टेप्स ऐसे रहेंगे, क्रॉस ब्रिज है जो पहले वाला वो ब्रेक होगा. क्यों ब्रेक हो रहा है? क्योंकि अब नए क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन करनी है, तो क्रॉस ब्रिज यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा. क्रॉस ब्रिज ब्रेक होते ही ये जो नया एटीपी आया था, इसकी क्या होगी? हाइड्रोलिसिस होगी. क्या होगी? हाइड्रोलिसिस होगी, मतलब इसका ब्रेकडाउन होगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है. अब फिर से क्या होगा? ये मॉलिक्यूल बनते ही हमारा क्या बन जाता है? न्यू क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन होगी. क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन होते ही क्या होगा? जो मायोसिन है वो क्या करता है?